जिसने अपनी पूरी जिंदगी में गलत काम करके ही पैसा कमाया, उससे और क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा। रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स केस में कोर्ट ने छोड़ दिया। सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस में तो कार्यवाही ही नहीं हुई, तो अब इस ऐप के फ्रॉड केस में क्या कर पाएगी? हाँ, संबंध देकर पूछताछ कर सकती है और वो बोलेगी कि हाँ, मुझे हिबॉक्स ऐप के प्रचार करने के लिए कुछ पैसे मिले, मुझे नहीं पता था कि ये फ्रॉड स्कैम ऐप है। पता नहीं हमारे देश के लोगों को बैठे बैठे इन ऐप्स के जरिए कितना पैसा कमाना है। रिया चक्रवर्ती, एल्विस यादव, कॉमेडियन भारती सिंह ने इस हिबॉक्स ऐप का प्रचार किया और इस ऐप ने डेली 1-5% फायदा दिखाकर 30,000 लोगों को ठग कर 500 करोड़ रुपए कमा लिए। सोचिए कितना आसान है आज के डेट में इस तरह के ऐप्स बनाकर लोगों को ठगना। आपके इन्फ्लुएंसर्स इसका प्रचार कर देते हैं और आप भी इसमें पैसा लगा देते हैं। इन्फ्लुएंसर्स को 2-3 करोड़ रुपए मिल गए और ऐप के ऑनर को 400-500 करोड़ रुपए मिल गए और बाद में पुलिस को कुछ करोड़ रुपए देकर ये लोग बच जाएंगे और पूरी जिंदगी ऐश की लाइफ जिएंगे। पर आम जनता इस शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाने के चक्कर में अपने पैसे डुबो देती है। आपका 5-10 हजार रुपया चला गया, आपको फर्क नहीं पड़ता, पर सोचिए ऐसे कितने लोग हैं जो जुए के शिकार होकर अपना सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। इसलिए रिया चक्रवर्ती, भारती सिंह जैसे ड्रगी फ्रॉड लोगों की बातों में बिल्कुल ना आए और आप एल्विस यादव जैसे इन्फ्लुएंसर्स की बातों में भी ना आए।